हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ टैली के वाउचर्स और उनके शॉर्टकट कीज़ और इनका यूज़ क्या होता है, इनके अंदर किस प्रकार की एंट्री होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैली में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वाउचर्स हैं कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। तो हम बात करते हैं अब कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। इस वाउचर में कैश और बैंक के बीच हुए सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, इसलिए बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। पेमेंट वाउचर का यूज़ हम पेमेंट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, फिर वो चाहे बैंक से किए गए हों या कैसे किए गए हों। अगर बिजनेस में कोई पैसा बाहर से पैसा अंदर आ रहा हो या कोई पैसा बाहर से जा रहा हो, उन सभी की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। रिसिप्ट वाउचर का मतलब जो पैसा हमारे बिजनेस में आता है या फिर वो पैसा फिर चाहे वो कैश में हो या बैंक से हो, उन सभी की एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F7। जनरल वाउचर के ज़रिए हम एडजस्टमेंट एंट्री को पोस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब हम दो अकाउंट के बीच में अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम जनरल एंट्री के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। सेल्स वाउचर का यूज़ हम सेल्स से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश से हो या उधार से हो, उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेज वाउचर। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9। परचेज वाउचर का यूज़ हम परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश में हो या उधार में हो, उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F8। इसमें जब सेल्स रिटर्न होती है, मतलब जब कस्टमर किसी वजह से माल को रिटर्न करता है, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेबिट नोट वाउचर। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। इसका यूज़ परचेस रिटर्न से रिलेटेड एंट्री करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।